गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर सेकंड, क्लास फोर्थ साइंस। क्लास फोर्थ की साइंस का हम लेसन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। कल मैंने आपको पार्ट का ब्रीफ बताया था, तो आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पूरा। इसके बाद हमें नेक्स्ट आगे पढ़ना है, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। हाउ डू प्लांट्स फूड, प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड ग्रीन लीव्स आर यूज्ड टू एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो पूरा मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो भी प्लांट अपना प्रिपेयर कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि आप जानते हैं लीफ ग्रीन कलर की होती है, लेकिन लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है, बिकॉज लीफ प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल के कारण जो लीफ है वो अपना भोजन अपना फूड प्रिपेयर कर पाती है। लीफ को जब सन की रेज मिलती है, सॉइल से वाटर मिलता है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा लीफ जो है प्लांट के लिए एक फूड तैयार करती है। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को आउट कर देते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग टू ब्रीथ। प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीफ। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसको स्टार्च के रूप में वेरी फूड के रूप में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। लीफ जो है फैक्ट्री ऑफ किचन कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ किचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीफ के द्वारा ही पूरे प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। लीफ यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ काइंड ऑफ शुगर नोन एज ग्लूकोज। मतलब कि जो लीव्स है उसका यूज जब सन की प्रेजेंस में किया जाता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, तो उसको ग्लूकोज बनता है। दिस इज शुगर इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय साइड वेंट एंड द स्टेम। हाउ डू प्लांट यूज फूड, प्लांट जो है वो फूड कैसे यूज करते हैं।
सेकेंड एक्टिविटी आपको टेक अ वेरिएटेड लीफ दैट हैज बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पोर्शन. नाउ टेस्ट द लीफ ऑफ स्टार्च एज डन इन एक्टिविटी फर्स्ट. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देख लिया कि स्टार्च को चेंगे. अब हमने थोड़ी सी ऐसी लीफ ली जो कि थोड़ी सी येलोइश हो, थोड़ी ग्रीनिश हो. यू विल सी ओनली द पैचेस दैट वर ग्रीन हैव टर्न ब्लू ब्लैक एंड दिस शो ओनली द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ कंटेन स्टार्च. वी नो दैट ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्लांट टू मेक फूड. यानी कि जो लीफ ग्रीन कलर की होगी सिर्फ वही फूड प्रिपेयर कर सकती है, अदरवाइज अदर कलर की जो लीफ रहती है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? क्योंकि ग्रीन लीफ जो रहती है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण लीफ जो है पूरे प्लांट का फूड प्रिपेयर करती है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी विच शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड. और कार्बन डाइऑक्साइड भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जरूरी होती है. Select some leaf from a plant near your house. Choose a green leaf. Apply any type of body lotion or moisturizer present in your house to cover both sides of the leaf. If that leaf is in the open of 2-3 days, test the leaf for starch. Also test another leaf from the same plant of starch. This leaf show the presence of starch. Why? मतलब कि आप कुछ लीव्स इकट्ठा करिए, उसके ऊपर आपके घर में जो भी मॉइस्चराइजर हो हाउस में उसको उसके ऊपर डाल दीजिए और उसको द लीव इन द ओपन फॉर 2-3 डेज और उस लीव को कीप कवर कर दीजिए किसी चीज़ें पॉलिथिन वगैरह में. उसको 2-3 दिन के बाद निकाल के देखिए आप क्या देखेंगे. द लीव डेट इज कवर्ड विद बॉडी लोशन और मॉइस्चराइजर डज नॉट टर्न ब्लू और ब्लैक. जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया उस लीव के ऊपर वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होगा. Blue black on the addition of the iodine. This happened because body lotion and moisturizer block the stromata pores on the leaf. Thus, carbon dioxide cannot enter the leaf. This stops the process of photosynthesis. ठीक है? मतलब कि body lotion में super डाल दिया तो उसके pores जो थे वो बंद रहेंगे और carbon dioxide का enter नहीं हुआ इससे तो उसमें photosynthesis भी process रुक गई. इसलिए जो leaf थी वो green की green रही, blue black color की नहीं हुई. तो ये तो activity है ये वाली एक्टिविटी फर्स्ट. सेकेंड और थर्ड तीन एक्टिविटी आप करके देखेंगे घर में. ठीक है? करेंगे देखेंगे तभी आपको पता चलेगा. ठीक है? एक एक्टिविटी हमारी ये है फोर्थ. टेक अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीफ. एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए ग्रीन कलर का जिसकी लीफ ग्रीन कलर की हो. उसकी एक लीफ को आप टेप से कवर कर दीजिए. टेप से कवर करने के बाद में आप प्लांट को आउटडोर रख दीजिए 24 आवर्स के लिए बाहर धूप में रख दीजिए. और नेक्स्ट डे अप्लाई द लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्राइप. उस पत्ती को आप तोड़ लीजिए और जो आपने टेप लगाया उसको निकाल दीजिए. एंड लीव फॉर द स्टार जर्न एक्टिविटी फर्स्ट. हम पहले ही देख चुके हैं कि लीव के ऊपर हम आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है. तो आप ये एक्सरसाइज करके देख सकते हैं. तो ये फोर एक्टिविटी है. जब तक आप फोर एक्टिविटी करके नहीं देखेंगे आपको लीव का फंक्शन समझ में नहीं आएगा. ठीक है? तो आप एक्टिविटी करके देखिएगा. जो आपका होमवर्क है व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा. लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है. लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है. अदरवाइज जो भी एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही फिल करनी है. कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखना है. ठीक है? जितना मैंने एक्टिविटी में बताया वो आप करके देखेंगे, पढ़ के देखेंगे और आगे का पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है पार्ट थर्ड उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? आज के लिए बस इतना ही. आपका चैप्टर बड़ा है तो एक साथ में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकती. एक्टिविटी तक मैंने आपको बता दिया है. फंक्शन ऑफ लीफ मैं आपको कल बताऊंगी. इसके आगे का भी आप पढ़ लीजिएगा. आज के लिए भाई इतना ही. जितना भी होमवर्क आपको मिल रहा है आप उसको व्हाट्सएप पे सबमिट करिए. ओके बाय.